नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ईटी एजुकेशन। और इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, जो रेलवे के एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं वो कराने वाला हूँ। जैसे कि मैं हर रोज एक वीडियो मैथमेटिक्स की लाता हूँ, एक करंट अफेयर्स की और एक जीके की, यानी कि 2 या 3 वीडियो पर डे मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और साइंस तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, 55 पार्ट बना चुका हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, आप वहां से देख सकते हैं साइंस के 50-55 पार्टों को। और जब ये वीडियो मात्र 20 सेकंड की रह जाएगी तो आपको लास्ट में स्क्रीन पर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी 55 पार्टों की, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 1000 की परवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या का योग क्या है? ठीक है, अब देखिए इसे क्या करना है। 100 की एक तो पूछ रहा है कि ये परवर्ती, ठीक है, परवर्ती मतलब होता है बाद में, ठीक है, और पूर्ववर्ती होता है पहले। इसका मतलब है कि 1000 के पहली और 1000 के बाद की संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले पूर्व परवर्ती क्या होता है, 1000 के बाद क्या आता है, 1001, और पूर्ववर्ती यानी कि 1000 से पहले क्या आता है, 1000 से पहले आता है 999। तो इनका जो है वो योग क्या होगा, ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो एक 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, और ये 2, यानी कि 2000, यानी कि 1000 की परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का योग क्या होगा, 2000, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, बस पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत जो है वो 12 है। तो इसे क्या करेंगे कि भाई 6 संख्या है मतलब सबको 12 12 है, तो 6 × 12 में कर लेते हैं, यानी कि सबका योग कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक नई संख्या को शामिल करने पर जो है औसत बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है औसत। अब देखिए एक नई संख्या शामिल हो गई, पहले 6 संख्या थी और अब एक बढ़ गई तो कितनी हो गई, 7 हो गई, और औसत कितना है वो 2 बढ़ जाता है। पहले औसत 12 था, अब कितना हो गया, अब 12 की जगह 14 हो गया, तो इनका योग कितना होगा, 14 7 98, ठीक है, सही है ना, 7 4 28, 2 और 7 7 8 9, ठीक है, 14 98 हो गया। तो यानी कि जो जब 6 संख्या थी तो उनका योग 72 था, और जब 7 हो गई तो उनका योग हो गया 98। तो 7वीं संख्या की हुई तो इसमें से इसको लेस कर दीजिए, 98 में से 72 को घटा दीजिए, तो बचेंगे यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 2, यानी कि जो नई संख्या शामिल की गई थी वो क्या थी, वो थी 26। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में नहीं आता बाकी तो सिंपल ये क्वेश्चन है, तो कमेंट में लिख सकते हैं मुझे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में से जब 35 घटा दिया जाए तो वह संख्या घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 4/5 जो है वो क्या होगा। देखिए अच्छा प्रश्न है कि अब मतलब इस तरीके से रेलवे में एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं आते, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब रेलवे में आपका 20 से 30 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा और रीजनिंग भी इसी में आ जाएगी। ज्यादा नहीं आता है, 20 से 30 के बीच में आएगा मैथ और रीजनिंग दोनों में लगे, बाकी 70% तो आपकी जीके जो है वो आनी ही आनी है, तो जीके पे अपने ज्यादा फोकस करें। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या में 35 घटा दिया जाता है। अब देखिए संख्या तो कितनी घटी, संख्या घटी आपके 35, ठीक है, और आपका परसेंटेज कितना घटा, परसेंटेज घटा आपका 20%, ठीक है भाई, संख्या 35 घटी तो परसेंटेज जो है वो घटकर 80 हो गया, यानी परसेंटेज 80 हो गया, तो सीधी बात है 20% घट गया, कम हो गया वो, तो यानी जो 35 है वो 20% के बराबर है। तो कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या थी, उसका जो 20% जो घटा था उसमें वो 35 के बराबर था, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 × 100 और नीचे 20, तो इसके काट के 20 × 100 और 35 × 5 × 25, 2 × 5 × 15 16 17, यानी कि वो संख्या क्या थी, वो थी संख्या आपकी 175 संख्या थी, टोटल 175। ये क्या बोल रहा है कि उस संख्या का 4/5 बताना है हमें, तो उसका 4/5 कर लेते हैं, तो इसको काट लीजिए, 5 × 5 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, तो 35 चौक कितना हुआ आपका, 35 × 2 = 70 और 70 × 2 = 140, यानी कि इसका 4/5 क्या होगा, 140, ठीक है, 35 गुणा मैंने 4 में कर दिया तो 140 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, मतलब या तो 35 घटा और परसेंटेज कितनी घटी, परसेंटेज घटी 20%, तो उसी तरीके से हमने दोनों जो है बराबर कर दिया, यानी कि जो 20% है वो किसके बराबर है, 35 के बराबर, तो किस किसको एक्स मान लेते हैं, का मतलब गुणा होता है, 20 के लिए 20, परसेंट के लिए नीचे 100 लगाते हैं, 20%
35 के बराबर है, तो इज इक्वल टू 35 नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से टोटल संख्या 175 आ गई, और 175 का 4/5 निकाल दिया, गुणा 4/5 कर दिया, 140 आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 6 की पावर है 1/6, ठीक है, 6 की घात 1/6 है, तो इसको सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 64 जो है इसको तोड़ देते हैं, 64 को, तो 64 को 2 की पावर में तोड़ देते हैं हम, ठीक है। चलिए 2 की पावर में कितने बार कटेगा ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, यानी कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को कह सकते हैं हम 2 की पावर 6, ठीक है। अब ये उसकी भी पावर 1/6 है, तो इसे मल्टीप्लाई में 1/6 कर देते हैं। अब देखिए 6 से 6 यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा कि हमारा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। तो हमारा फाइनली इसका आंसर क्या होगा, इसको सरल करके क्या आएगा, 2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 160% को भिन्न में बदलिए। अब देखिए 160% है, परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, तो 160/100 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 से और काट लेते हैं, 2 8 16 और 2 5 10, तो हमारा बच्चा क्या, 8/5। अब देखिए ये सही में आंसर आ रहा है, तो इसको भी सही से काट लेते हैं, भाग कर लीजिए, तो 5 एकम 5 बचेगा 3, तो सही क्या होगा, 1 सही 3/5, तो 1 सही 3/5 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 1 सही 3/5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5% को दशमलव में बदलिए। अब देखिए इसको दशमलव में बदलना था, उसको भिन्न में बदलना है, तो बात एक ही है, एक ही तरीके से होते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से ही भाग करते हैं, तो इसमें भी मैं 100 से भाग कर दूंगा परसेंटेज हटाने के लिए। अब देखिए नीचे कितनी, 2 जीरो हैं, तो ऊपर कितने अंक हैं, ऊपर मतलब हमें भी क्या करना है, पॉइंट के बाद बराबर अंक होने चाहिए यदि हमें पॉइंट हटाना है, तो ऊपर तो 1 अंक है और नीचे 0 कितनी है, 2, तो हमें भी 2 जीरो करनी है पॉइंट के बाद, तो हम इसे कर सकते हैं 1 जीरो लगा के पहले ये कर लूंगा और यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि नीचे 2 अंक है, मतलब 0 2 है ना, तो 2 अंक पहले ही दशमलव होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ 5 था, तो 5 से मैं पहले ही 0 लगाते हैं, हमेशा बाद में नहीं लगाते, हमेशा पहले ही 0 लगाते हैं, तो उससे पहले मैंने 1 जीरो बढ़ा दी और अब ये 2 अंक हो गए और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर हो गया फाइनली ऑप्शन बी, ठीक है। इसी तरीके से बोलते हैं, जैसे कि होता है कि यहाँ पे 9 और यहाँ पे होता है 1000, ठीक है, तो हम कैसे करते, नीचे 3 अंक है ऊपर 1 ही अंक है, तो हम 2 जीरो इधर बढ़ा के पॉइंट यहाँ पे लगा देते, तो अब इसका आंसर हो जाता 0.009, फिर नीचे ये 1000 वाला को कोई मैटर नहीं रह जाता, इस तरीके से रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कुर्सी को 572 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा। अब देखें यहाँ से लागत मूल्य क्या लगाते हैं, तो परसेंटेज एक अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत, तो आप बिगर किसी फॉर्मूले के भी कर देंगे इसे, देखते हैं वो कैसे होता है। जैसे कि ये बोल रहा है कि कुर्सी को 572 में बेचा और लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ उसका 30% का, ठीक है, और मतलब कि 100% तो उसका मूल्य था ही था ही, और उसको 30% का लाभ और हो गया, तो मान लीजिए भाई मूल्य था उसका एक्स, ठीक है, और कितना परसेंट लाभ हुआ उसे, 30%, यानी कि 130% हो गया। अब और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, और कितने रुपए में मिला उसको, 572 में, ठीक है, दोनों कंडीशन बराबर कर लीजिए तो एकदम सवाल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो 572 × 100 और नीचे 130, तो इस 0 से 0 कट जाएगी, 13 से काट लेता हूँ मैं से, 13 चौका 52 बचेंगे, बच गया आपके 52 में से 5 ही बच गया, और 13 चौका 52 यानी कि आपका बचा 440, क्योंकि 44 की गुणा में यहाँ पे एक 10 बच रहा है ना, 10 में कर लेता हूँ, तो 440 हो जाएगा। तो हमारे जो फाइनली इसका मूल्य क्या होगा कुर्सी का, तो कुर्सी का लागत मूल्य था आपका 440, ठीक है। उसने देखिए ये बोला है कि उसने 30% लाभ पर बेचा था, यदि हम 440 का 30% निकालता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, तो इससे कट के ये हो जाएगा 2 जीरो से 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, यानी 132 का लाभ हुआ। अब देखिए 440 में जोड़ लीजिए आप, 440 में 132, तो कितना हुआ, 2 और 7 और ये 5 आ गया ना, 572 रुपये, 40% जब 30% लाभ होता तो वो 572 में हो जाता, हो गया ना इस तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसका जो लागत मूल्य था वो कितना था, 440 रुपये, और लाभ कितना था, लाभ था 132 रुपये। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% 20% और 30% के क्रामिक छूट की समतुल्य छूट कितने प्रतिशत होगी।
इसका मतलब क्या है कि कोई चीज है उस पर पहले 10% की छूट दी गई, फिर 20% की छूट दी गई, और फिर 30% की छूट दी गई। तो ये बोला यदि उसको इतनी छूट ना देकर एक ही छूट दी जाए तो वो कितने रुपए की बैठेगी, मतलब कितने परसेंट की बैठेगी। तो ये दो तरीके से होता है, एक फॉर्मूले से भी होता है और एक बिगर फॉर्मूले की होता है। ज्यादातर तो मैं बिगर फॉर्मूले की करता हूँ, तो वो भी आपको बेटर लगेगा। ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ फॉर्मूले से क्या होता है, सूत्र से कैसे होता है। ठीक है, और फिर बिगर सूत्र के बताऊंगा। तो ये बोल रहा है कि सबसे तीन बट्टे दिए हुए हैं, या तीन छूट, मतलब बट्टे एक ही बात होती है, कभी कभी यहाँ समतुल्य छूट की जगह समतुल्य बट्टा भी आ जाता है, तो एक ही बात होती है। तो दो बट्टे ले लीजिए पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, पहले दोनों बट्टों की गुणा करिए, दोनों बट्टों को जोड़िए। तो 20, 10 + 20, और यहाँ पे माइनस करके दोनों बट्टों की गुणा करिए, 10 × 20 और बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ बचा 30 माइनस यहाँ पे हो गया 2, तो 30 में से 2 के बचे क्या 28। तो यानी कि 10 के और 20 के बराबर एक ही बट्टा हो गया 28 का। अब देखिए तीसरा बट्टा भी रह गया 30 का, तो इसमें क्या करते हैं 30, अब एक तो 30 बट्टे को ले लेंगे और एक ले लेंगे 28 वाले बट्टे को, या फिर 28 वाले छूट को। तो इसी तरीके से करेंगे, उसके दोनों बट्टों को जोड़ेंगे पहले, 30 + 28 माइनस, फिर दोनों बट्टों की गुणा करेंगे, 30 × 28 और भाग करेंगे 100 से। तो यहाँ हो गया आपका 58, और ये इसकी यहाँ से 0 कट गया, और यहाँ पे 28 × 3 में कर लेते हैं, 3 8 24 का 4 का लेके 2, 3 2 6 7 8, नीचे 10 है, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि नीचे 1 0 है तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 58 माइनस 8.4, इसको घटा लीजिए बस, तो 58 में से हम घटा लेंगे 8.4, पॉइंट लगा 0, यहाँ बचेगा 6 आपका, और यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 4 यहाँ पे पॉइंट, तो आपको हो जाएगा 49.6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो था फॉर्मूले से। ठीक है, अब बताता हूँ आपको बिगर फॉर्मूले कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे तीन बट्टे मिल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कोई चीज हमारी 100 रुपए की थी। ठीक है, और पहला बट्टा उस पर 10% मिला, यानी 10% की छूट रहेगी, तो वो कितने का रह गया, वो रह गया 90% का। ठीक है, अब दूसरी 20% की छूट मिली, तो अब 80% का रह गया, 80% का रह गया जब 20% की छूट मिल गई। और तीसरा मिला 30% की छूट, तो आपके कितना रह गया, 70% रह गया। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ऊपर कितनी 0 है, 2 3 4 5 0 है, तो 5 0 से नीचे के 5 0 काट दीजिए, तो 1 2 3 4 5, नीचे 10 रह गया सिर्फ, ऊपर वालों को गुणा कर लीजिए, 9 × 8 × 7 और नीचे क्या है 10, तो 8 ने 72, 72 × 7 हो गया नीचे, और नीचे 10 है, तो 7 × 2 = 14, 4 × 5 = 1, 7 × 7 = 49 और 1 = 50, और नीचे 10 है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यानी कि जो हमें हमारी वस्तु थी पहले तो 100 रुपए की थी, हमारा निश्चय मूल्य क्या होता है 100 रुपए, और अब बट्टे लग लग कर कितने की रह गई, तो 50.4 की रह गई। तो कितना बट्टा लग गया भाई, 100 में से बचे हमारे सिर्फ 50.4 बची, तो कितने का बट्टा लग गया, 50 में से 100 में से इसे घटा दीजिए 50.4 को, तो रह गया आपका ये, बच जाएगा 49.6, तो ये आपका इतना बट्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, 100 की चीज थी, सिर्फ 50.4 की रह गई, तो 49.6 का बट्टा लग गया ना, इतने की छूट मिल गई ना, तो ये हो गया आपका जो एक समतुल्य बट्टा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो जैसे भी निकाल सकें आप, जैसे भी अच्छा लगे आपको, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का निशान आता है उसको जरूर प्रेस करें। तो वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए धन्यवाद।